आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना जी, भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री माननीय किरेन रिजिजू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, माननीय न्यायमूर्ति विनीत करण जी, माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी जी, उत्तर प्रदेश शासन के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री अमरेन्द्रनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सभी न्यायमूर्तिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की पावन धरती पर मैं देश के माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की भूमि है। पूरा देश और पूरी दुनिया त्रिवेणी की इस धरती पर संगम में स्नान करके अपने जीवन में सफलता की कामना को लेकर के आती है, लेकिन एक आम जनमानस त्रिवेणी की इस धरती पर धर्म, न्याय और शिक्षा के इस प्रमुख केंद्र से प्रत्यक्ष अनुभूति पाकर के भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं त्रिवेणी के इस पावन धरती पर आज भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल और प्रदेश के अभिभावक स्वरूपा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना जी का, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी का, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री विनीत शरण जी, श्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री विक्रमनाथ जी का, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में,
उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसमें न्यायिक क्षेत्र में भी प्रत्येक जन की, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उसे समय पर सहजतापूर्ण न्याय उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से चाहे वह प्रदेश के अंदर न्यायिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले कार्य हो, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में न्यायालय कक्ष 599 न्यायिक कक्ष वर्तमान में, जिनमें से 311 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, 288 निर्माणाधीन है। माननीय न्यायमूर्तियों के आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 247 बनकर के तैयार हैं और 364 वर्तमान में निर्माणाधीन है। आज का युग डिजिटल युग है। कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने तकनीक के इस महत्व को समझा है। आम जन को दी जाने वाली सुविधा हो या फिर सहजता और सरलता के साथ उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम तकनीक का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हम सब ने डिजिटल हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन दी जाने वाली उन सुविधाओं के माध्यम से महसूस किया है। और प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कंप्यूटर क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए, अधीनस्थ न्यायालय में कंप्यूटर क्रय और अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए और न्यायिक अधिकारियों के नवीन लैपटॉप के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि इस संबंध में राज्य सरकार ने पहले से स्वीकृत की है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर जब भी हम लोग प्रयागराज की बात करते थे तो प्रयागराज का हमारा उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय प्राप्त करने की एक उत्सुकता के साथ यहां पर आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा यहां सामना करना पड़ता था जाम का। प्रयागराज कुंभ के समय प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतरीन पहल की थी और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था, अन्यथा किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों की विकास में रुचि नहीं होती वे कहीं न कहीं व्यवधान बनने का कार्य करते हैं। हमारे पास एक वर्ष का समय था कि हम प्रयागराज कुंभ के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकसित करें और उस समय जो बेहतर समन्वय था उस बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रयागराज को प्रयागराज के रूप में विकसित करने, 24 करोड़ जनमानस को, श्रद्धालुजनों को प्रयागराज कुंभ के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन साथ साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बन रहा है, ये केवल मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है बल्कि इसमें 4000 वाहनों को पार्किंग की सुविधा के साथ साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाकर के 10000 अधिवक्ताओं के लिए भी अत्याधुनिक चैम्बर और उनके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम यह मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैम्बर, जो बार एसोसिएशन की वर्षों से मांग थी, उस मांग को आज यहां पर पूरा करते हुए और राष्ट्रपति जी के करकमलों से माननीय मुख्य न्यायाधिपति की उपस्थिति में और
उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों के गरमामयी उपस्थिति में इस आयोजन को यहां पर आयोजित करने में मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही प्रयागराज के लिए एक नई, क्योंकि प्रयागराज को हम त्रिवेणी की धरती मानते हैं, प्रयागराज में आप देखते होंगे कि प्रयागराज धर्म की धरती तो है ही, न्याय के लिए 24 करोड़ जनता प्रयागराज पर निर्भर करती ही है, लेकिन साथ साथ शिक्षा का भी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और वर्षों से मांग हो रही थी कि एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हो, और मेरा वहां पे हमेशा इस बात के लिए, जब 2017 में हम लोग आए थे तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था। मैंने कहा विधि विश्वविद्यालय बने तो ऐसा बने जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ही इसको संचालित अगर कर दिया जाए तो हमें प्रयागराज की धरती पर इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनाने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधिपति स्वयं इसके विजिटर होंगे। इस प्रकार का एक्ट राज्य सरकार ने बना करके आज प्रस्तुत किया है और यह विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगले सत्र में हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे। आज जब यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राज्यपाल महोदया हैं, माननीय मुख्य न्यायाधिपति हैं, और हम लोगों की हार्दिक इच्छा भी है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी का प्रयागराज से बहुत संबंध था। प्रयागराज के हर कुंभ में, यहां पर अगर आज भी किले के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ये विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को समर्पित होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा। और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायिक क्षेत्र में नए छात्रों को, नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में न केवल अध्ययन और अध्यापन का एक मंच उपलब्ध कराएगा बल्कि इस क्षेत्र में शोध के वे अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने का एक मंच होगा, जहां से निकले हुए युवा न केवल प्रदेश और देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्य न्यायाधिपति का, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रयागराज उच्च न्यायालय से जुड़े हुए सभी न्यायमूर्तियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद उनके उद्बोधन के लिए। मैं आई नाउ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एन वी रामना टू ब्लेस दिस गैदरिंग विद हिज वाइज एंड काइंड वर्ड्स।